हेलो दोस्तों, राज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायो से एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उस चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट किंगडम, पादप जगत। तो सबसे पहले जानेंगे कि पादप जगत कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे कि इसको दो भागों में बांटा गया है, एक अब उसको भी और दूसरा उसको भी। याद रहेगी, देखिएगा इस वर्ग के जितने भी पौधे आते हैं उसमें फूल नहीं होते, याद रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। आप पुष्पोभिद को भी तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। देखिएगा प्लांट किंगडम में यानी पादप जगत में सबसे बड़ा वर्ग थैलोफाइटा को माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके भी प्रकार है तीन, कौन कौन? शैवाल, कवक और जीवाणु, यानी एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। समझ में आ रही है? इधर देखिएगा, पुष्पोद्भिद को भी दो वर्ग में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। तो आज हम लोग, ठीक है, इनमें से किसी एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये चर्चा करेंगे हम लोग एल्गी के बारे में, यानी सेवाल के बारे में। समझ में आ रही है? ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे? सेवाल के बारे में, एल्गी के बारे में, कि एल्गी होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग किसकी चर्चा करने वाले थे? सेवाल यानी एल्गी का। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी अगर इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है। अगर इसको ट्रिक से याद रखना चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं सफाई, ठीक है। सा से सेवाल और फाई से फाइकोलॉजी, याद रहेगी, ठीक है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। देखिएगा इसमें पर्णहरित, सेवाल में पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। आप लोग के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि ये पर्णहरित क्या है, ठीक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का नाम सुने हैं? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है और उस क्लोरोफिल को पर्णहरित करते हैं, ठीक है। इसी के वजह से पौधा कोई भी हो, ठीक है, पत्ते हरे दिखाई देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये पर्णहरित पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता है वो देखेंगे। इसमें है कि संवहन ऊतक नहीं होता है, संवहन ऊतक नहीं होता है। अब संवहन ऊतक को कहते क्या है, ठीक है, देख लीजिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। इसमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं, संवहन ऊतक नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें तना नहीं होता है, यानी स्टीम नहीं होती है, तना नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें भ्रूण, भ्रूण भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। भ्रूण का मतलब जानते हैं? चलिए, भ्रूण को कहते हैं इम्ब्रियो। इसको अगर इंग्लिश जानना हो तो क्या कहते हैं? इम्ब्रियो। इसमें भ्रूण भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें जड़ तो पाए जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक जड़ हो, ठीक है, जो रियल जड़ हो वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। जड़ जो होती है वो वास्तविक नहीं होती है, वास्तविक जड़ नहीं होती है। समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि शैवाल कहां कहां पाया जाता है। क्या जानेंगे? कि शैवाल कहां कहां पाया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं चट्टान पे उगते हुए शैवाल को देखे होंगे, यानी एल्गी को उगते हुए देखेंगे, कहीं कहीं समुद्र में भी देखे होंगे, कहीं कहीं नदी में देखे होंगे, तालाब में देखे होंगे, बहुत जगह आप लोगों ने शैवाल देखा, ठीक है। तो जो समुद्र में लाल शैवाल पाया जाता है, ठीक है, समुद्र में, ठीक है, समुद्री शैवाल का एक मैं नाम बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, समुद्री शैवाल, ठीक है, जिसको लाल शैवाल, ठीक है, एक लाल शैवाल होती है और एक भूरा शैवाल। कहा भी जाता है कि समुद्र में लाल शैवाल जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? फाइकोएरिथिन, फाइको
एरो, ठीक है। लेकिन जो भूरा शैवाल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, फाइकोसाइन। फाइकोसाइनिन कहते हैं, ठीक है। एक हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर भी शैवाल पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रा के अंदर जो शैवाल पाया जाता है उसको क्या नाम है, उसको कहते हैं जू क्लोरेला। ठीक है, इसके अलावे, ठीक है, बर्फ पर पाए जाते हैं, ठीक है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल का क्या नाम है, तो इसको कहते हैं क्रिप्टोफाइटस। क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइटस, क्रिप्टोफाइटस, ठीक है। इसके अलावा चट्टान पर भी शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। चट्टान पर पाए जाने वाले शैवाल का नाम क्या है, लिथोफाइटस, याद रहेगी। चलिए, मैंने बात किया कि एक समुद्री शैवाल का बात किया, तो समुद्री शैवाल हम लोग लाल शैवाल की बात किए, तो लाल शैवाल को कह दिया जाए क्वेश्चन में कि समुद्री शैवाल, ठीक है, समुद्र में जो लाल शैवाल पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फाइको एरोथिन। अच्छा, समुद्र में जो भूरा शैवाल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, फाइको साइनिन। कह दिया जाए कि हाइड्रा के अंदर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, ठीक है, जू क्लोरेला, ठीक है। बर्फ के, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइटस। चट्टान पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, लिथोफाइटस। इसको याद रखिएगा, एक याद करने का तरीका है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे हज, ठीक है, हा से हाइड्रा, जा से जू क्लोरेला। इसको पढ़ लेंगे बकरी, बकरी, ठीक है, बा से बर और क्री से क्रिप्टोफाइटस, ठीक है। इसको लिख लेंगे चली, ठीक है, चा से चट्टान, अली से लिथोफाइटस, याद रहेगी। यहां पर देखते हैं कि बकरी चली हज पर, इससे भी याद रख सकता है, रख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा शैवाल है, ठीक है, जिससे कृत्रिम रेशा तैयार किया जाता है, हम लोग उस शैवाल की भी चर्चा करेंगे। एक ऐसा शैवाल जिससे कृत्रिम रेशा तैयार किया जाता है, और कृत्रिम रेशा जिससे तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सर्गासम। क्या कहते हैं, सर्गासम, ठीक है, याद रहेगी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है, एक सवाल की जिसका नाम है नाइट्रेला। और कहां, ठीक है, ये दो सवाल है, ठीक है, इससे मलेरिया का, मलेरिया बीमारी का नाम सुने ना, जो मच्छर से फैलती है, ठीक है, मलेरिया का दवा तैयार किया जाता है, मलेरिया का दवा भी तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक शैवाल की, अलवा, ठीक है। ये एक ऐसा शैवाल है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं सलाद के रूप में खाने के लिए, ठीक है, इसको समुद्री सलाद भी कहते हैं, याद रहेगी, ठीक है। अलवा क्या है, ये एक ऐसा शैवाल है, एक ऐसा एल्गी है, ठीक है, जिसको समुद्री सलाद भी कहते हैं, सलाद का नाम सुने ना, ठीक है, जिसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर अगर, ठीक है, अगर 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 जो शैवाल है ये लाल रंग के शैवाल से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होती है, लाल रंग का शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। और इस शैवाल का इस्तेमाल आइसक्रीम में किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में,
याद रहेगी। ठीक है, हम लोग क्या बात किए कि नाइट्रेला और काला कारा नामक शैवाल जो है, ठीक है, मलेरिया के उन्मूलन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद किए अलवा नामक शैवाल का, जिसको समुद्री सलाद भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात किए हम लोग अगर अगर, ठीक है, शैवाल का, इससे क्या तैयार किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि वो पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि ठीक है सबसे बड़ा शैवाल का नाम क्या है, वैसा शैवाल का नाम बताइए जो सबसे बड़ा है। तो हम लोग देखेंगे ना कि सबसे बड़ा शैवाल, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, मैक्रोसिस्टिस। क्या कहते हैं? मैक्रोसिस्टिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सबसे छोटा शैवाल के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा शैवाल तो पता हो गया क्या है, मैक्रोसिस्टिस। अब सबसे छोटा जो शैवाल है, ठीक है, क्या सबसे छोटा, ठीक है, वो क्या है, उसको कहते हैं एसिटा मुलेरिया। क्या है? एसिटा बुलेरिया। ठीक है, इसको एक कोशिकीय शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक कोशिकीय शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया जाए कि सबसे छोटा शैवाल क्या है, तो वो कौन सा है, एसिटा बुलेरिया, याद रहेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आती है, ठीक है, कि सर जो आयोडीन हम लोग खाते हैं, ठीक है, नमक में जो आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, वो आती कहां से है? तो याद रखिएगा, ठीक है, वो कहां से प्राप्त होता है, शैवाल से ही प्राप्त होता है। और वो कौन सा शैवाल है, तो उसे भूरे रंग के शैवाल कहते हैं, याद रहेगी। मतलब जो प्राप्त होता है मेरा, ठीक है, क्या आयोडीन, ठीक है, वो किससे प्राप्त होता है, भूरे रंग के शैवाल से। याद रहेगी, किससे प्राप्त होता है, भूरे रंग के शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। लेकिन देखिएगा, जापान के लोग भूरे शैवालों को सलाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जितने भी जैपनीज है, ठीक है, भूरा रंग का जब शैवाल जो पाया जाता है, ठीक है, उसको सलाद बनाकर खाते हैं। ठीक है, भले हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन जापनीज, जितने भी जैपनीज है, सब उसको सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका स्वाद भी अच्छा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहां तक तो जान चुके हैं कि जापान के लोग, ठीक है, भूरे रंग के शैवाल को सलाद के रूप में खाते हैं। अब एक स्कॉटलैंड देश है, ठीक है, स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश है, ठीक है, जहां रोडोम, देखिए एक सवाल शैवाल है जिसका नाम है रोडो, ठीक है, मेरिया, रोडोमेरिया। ये एक ऐसा शैवाल है, ठीक है, यहां के लोग, स्कॉटलैंड के लोग इसको तंबाकू के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, बोलिए, किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब उसको तंबाकू के रूप में खाते हैं। समझ में आ रही है? अभी एक, ठीक है, आप लोग लाल सागर का नाम सुने हैं, ठीक है, क्वेश्चन कह दिया जाए कि लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो लाल सागर को लाल सागर इसलिए कहा जाता है, ठीक है, कि वहां पर एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडेसियम इरिथियम। क्या नाम है? ट्राइकोडेसियम इरिथियम। ठीक है, ये एक ऐसा शैवाल है जिसका रंग होता है, ठीक है, ठीक है, नीला हरा। कैसा रंग होता है इसका? नीला हरा, नीला हरा होता है। ठीक है, जो लाल सागर के ऊपर में तैरते रहता है। समझ रहे हैं कि लाल सागर के ये शैवाल
लाल सागर के ऊपर में तैरता रहता है, इसका रंग कैसा है? नीला और हरा। क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि लाल सागर में जो शैवाल पाए जाते हैं ट्राइकोडेसिया, वो किस रंग की होती है? नीला हरा रंग का होता है, और ये लाल सागर के ऊपर तैरते रहता है, ठीक है, जिस वजह से, ठीक है, लाल सागर का रंग लाल होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, ऐसे हम आने वाले अगले वीडियो जो डालेंगे, हम लोग कवक के बारे में विस्तार से जानेंगे, यानी फंगी के बारे में जानेंगे। लेकिन देखते हैं कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।